आज सीबीएसई 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और मधुपुर के मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी से जया चौरसिया लगभग 97% अंक लाकर के पूरे संथाल परगना टॉप की हैं। हमारे साथ हैं जया, जया के माता पिता हैं और विद्यालय के निदेशक मनोज कलबलिया जी हैं। बात करेंगे सबसे पहले जया से कि ये उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है? पता नहीं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब चीज मिल गया, ऐसा लग रहा है। तो आपको ये भरोसा था कि 97% मार्क्स आएगा? नहीं, इतना का भरोसा नहीं था, लेकिन पता था कि अच्छा आएगा। सब्जेक्टली कितना कितना मार्क्स आया? अकाउंट्स में 100, इकोनॉमिक्स में 99, बीएससी में 97, 98, हिंदी में 91 और फिजिकल एजुकेशन में 99 और इंग्लिश में 89। अब आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देंगे? सबसे पहले माता पिता को, उसके बाद हमारे स्कूल के टीचर जो हम लोग पढ़ाते थे, प्रवीण सर, रजी सर, फिर प्रियंका मैम, रामजी सर, और सबसे ज्यादा तो बड़ा हाथ है हेड सर का। और जैसे कि आप जब पढ़ रही थी तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि अब हम बहुत थक चुके हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, या पेरेंट्स का सपोर्ट उतना, खर्च ज्यादा होता है, ये सब को लेकर कभी बर्डन आपके ऊपर आया? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था, पर तब भी मैनेज करके चल गए। अच्छा, अब आगे बढ़कर आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करेंगे जीवन में? आगे बढ़कर तो बस चार्टर्ड अकाउंटेंट का सपना देखे, बस उसी को पूरा करना है। हमारे साथ इनके पिताजी हैं प्रकाश चौरसिया जी, जो कि एक साधारण, यूं कहें कि मैकेनिक हैं, बिजली के उपकरण जो भी होते हैं उन उपकरणों को ठीक करते हैं। मैं इन्हें पर्सनली भी जानता हूं और इनकी लगन, मेहनत, निष्ठा से आज इनकी बच्ची ने इनका ही नाम नहीं बल्कि पूरे मधुपुर शहर का भी नाम रोशन किया है, पूरे संथाल परगना प्रमंडल में। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? बहुत अच्छा। क्या चाहते हैं बच्ची आपकी? चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाह रही है, आगे बढ़े। अच्छा, आपके परिवार से कोई पहले ऐसा कभी कुछ किया? नहीं। जब बच्ची को पढ़ा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खर्च अधिक होता है सीबीएसई की पढ़ाई में, क्या कभी आपको तकलीफ हुआ वैसा जीवन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक है। बच्ची की सफलता के लिए आप क्या बोलेंगे, किसका देन सबसे अधिक है? सबसे पहले तो हेड सर का, स्कूल का, मदर इंटरनेशनल का, उसका बाद हम लोग का है। इनकी माँ भी हैं जो कि एकदम मुस्कुरा रही हैं, प्रफुल्लित हैं पूरी। कैसा लग रहा है आपकी बच्ची, आपका? बहुत बहुत खुशी है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई है। क्या लग रहा है बच्ची जो बनना चाह रही है, क्या उसके लिए अब आप लोग क्या मेहनत कीजिएगा? जो वो चाहेगी उसके लिए सक्षम रहेंगे। बिल्कुल ही, माता पिता तो काफी खुश हैं, लेकिन सबसे अधिक खुश जब किसी विद्यालय का या शिक्षक का छात्र अच्छा करता है तो वह शिक्षक सबसे ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और बिल्कुल ही आज मनोज जी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज इनके छात्र छात्राओं ने पूरे संथाल परगना में इनके विद्यालय का नाम रोशन किया। कैसा लग रहा है आज की जो आपको उपलब्धि मिला है? ये सचमुच बहुत गौरवशाली बात है। आज हमारे एक स्कूल है, छोटी सी स्कूल है मधुपुर में, छोटी जगह मधुपुर, वहाँ का बच्चा एक पूरे प्रमंडल में टॉप करे, ये बहुत ही गर्व की बात है। सिर्फ हमारे स्कूल के लिए, पूरे मधुपुर के लिए गर्व की बात है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या, बाकी स्कूलों को, बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी टॉप करें। और अब जिया का जो एम है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, वो बिल्कुल बनेगी, इसमें पूरी लगन है। और ये तो अपने स्कूल में नर्सरी से पढ़ रही है, मैं इसको शुरू से जानता हूँ। और मैं इसके सफलता के पीछे इसके पिताजी, माता जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके पिताजी भी बहुत प्रयास करते रहे और अपने जो भी इनके मीन्स थे, बच्चों को अपने बहुत ही मेहनत से पढ़ाया और बच्चों के लिए हमेशा प्रयास किया कि बच्चे मेरा खूब अच्छा करें। और हमेशा चेष्टा रहती थी इनकी बच्चों के लिए कि कैसे मेरा बच्चा क्या परफॉर्मेंस है, हमेशा पूछताछ करते रहते थे। तो चलिए, आज इन द एंड सब बहुत अच्छा हुआ, हम लोग सब बहुत खुश हैं, बल्कि खुश क्या, बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि इतना अच्छा हमारे बच्चे ने किया। इसलिए सबको बधाई, हम सब बधाई के पात्र हैं। साफ तौर पर मैं पूरी तरह से आज पूरा विद्यालय परिवार खुशी में झूम रहा है और विद्यालय के सभी बच्चे जिन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया, वे सभी प्रफुल्लित हैं, खुश हैं और उनके माता पिता भी काफी खुश हैं। सहयोगी अमित के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज़, मधुपुर।